ओके, टुडे द टॉपिक इज लिंकिंग. लिंकिंग क्या होता है? फर्स्टली हमने देखा कि लोडिंग क्या होता है, कि प्रोसेस को सबसे पहले ट्रांसलेटर छोटे छोटे मॉड्यूल्स में एक प्रोसेस को जब कन्वर्ट करता है इनटू द फ्रॉम द सोर्स कोड इनटू द ऑब्जेक्ट कोड, तो उसके छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाता है. उन मॉड्यूल्स को लोडर जो है वो एक लोड मॉड्यूल में देन कन्वर्ट करता है, यानी उन मॉड्यूल्स को मिलाकर एक सिंगल मॉड्यूल जब बनता है उसे बोलते हैं लोड मॉड्यूल. ऑल राइट, और फिर वो लोड मॉड्यूल जिस तरह वर्किंग करता है, वी हैव डिस्कस्ड दैट इन डिटेल इन द रीसेंट लेक्चर. इन दिस लेक्चर हम पढ़ेंगे कि उस लोड मॉड्यूल के साथ लिंकर क्या काम करता है. लिंकिंग इस प्रोसेस को बोलते हैं जो कि लिंकर परफॉर्म कर रहा होता है. लिंकर उन ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स को, यानी ऑब्जेक्ट कोड के जो मॉड्यूल्स बने हैं, उनको एक सिंगल लोड मॉड्यूल में जॉइन करता है, लिंक करता है, जैसे कि इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि इसका काम ही है. इनपुट टू द लिंकर, अब इनपुट क्या होगा? जाहिर है उसने किस चीज़ को लिंक करना है, उसने ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स को लिंक करना है, इसलिए उसका इनपुट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स होते हैं. हर एक मॉड्यूल को ट्रांसलेट करते हैं इनटू अ रिलेटिव. रिलेटिव एड्रेस का मतलब ये है कि एक मॉड्यूल को एक एड्रेस दे दिया लाइक ज़ीरो, और फिर उसे रेफरेंस करते हैं. सेकेंड वाला उससे रेफरेंस होगा कि ज़ीरो से कितनी दूर है, थ्री पे है, तो ज़ीरो टू थ्री डिस्टेंस उसका है, ठीक है. फिर नेक्स्ट वन उस थ्री के रेफरेंस से आप कहीं और पुट कर रहे हो कि थ्री से थ्री पोजिशन मज़ीद दूर, तो थ्री से मतलब सेवन पोजिशन पर नेक्स्ट वन पड़े. तो इनको इस तरह से बोलते हैं रिलेटिव एड्रेसेस. लिंकर हर एक मॉड्यूल को रिलेटिव एड्रेसेस देता है, और फिर उन मॉड्यूल्स को क्या करता है, सिंगल मॉड्यूल में, सिंगल लोड मॉड्यूल में लिंक करता है. लोडर मस्ट जनरेट अ सिंगल कंटिगुअस मॉड्यूल इन विच ऑल एक्सटर्नल रेफरेंसेस हैज़ बिन रिजॉल्व्ड. लोडर क्या काम करता था, वो हर मॉड्यूल के लिए कंटिगुअस मॉड्यूल बनाता था, एक सिंगल कंटिगुअस, मतलब जितने भी उसके मॉड्यूल्स बनाता था ऑब्जेक्ट कोड के, उसके कंजेक्टिव मेमोरी लोकेशंस बनाए जाते हैं, विच द लोडर डू इट, और फिर उनको मैनेज करता है लोडर. ऑल राइट, और जो टर्म है लिंकेज एडिटर, इस टाइप ऑफ लिंकिंग को जहाँ पर आप लोडर जो है वो सिंगल कंटिगुअस मॉड्यूल की फॉर्म में हमें लोड मॉड्यूल दे रहा है, और उसमें जितने भी एक्सटर्नल रेफरेंसेज हैं, एक्सटर्नल रेफरेंसेज का मतलब है कि जो प्रोग्राम कोड का एक मॉड्यूल हमारे पास आया है, उसको किसी और, किसी ट्रांसलेटर की या किसी सिस्टम यूटिलिटी की रिक्वायरमेंट है, इनपुट आउटपुट रिक्वायरमेंट है, तो वो सब रिजॉल्व हो जाती हैं, यानी वो एडजस्ट कर दी जाती हैं कि उसे या तो एलोकेट कर देते हैं, काम पूरा करवा देते हैं, और फिर ही एलोकेट होते हैं उस तरीके से. और इसको बोलते हैं लिंकेज एडिटर, ठीक है. और इस टाइप ऑफ लिंकिंग में जहाँ हमारे पास कंटिगुअस मेमोरी मॉड्यूल की फॉर्म में लोड मॉड्यूल आता है, उसको मैनेज करने के लिए जो लिंकर यूज़ होता है उसको बोलते हैं लिंकेज एडिटर. डायनेमिक लिंकर जो है वो पोस्टपोन कर देता है सम ऑफ द लिंकेज फंक्शंस अनटिल द रन टाइम. अब यहाँ पर लिंकर की भी टाइप्स हैं, जिस तरह हमने लोडिंग की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी, डायनेमिक, रन टाइम, रीलोकेटेबल, इसी तरह लिंकर की भी हमारे पास टाइप्स हैं. डायनामिक लिंकर एक ऐसा लिंकर है जो उन ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स को लिंक तो कर रहा है, लेकिन उनको रन टाइम पे लिंक कर रहा है. ऑल राइट, डायनामिक लिंकिंग लोड टाइम पे भी हो सकती है और रन टाइम पे भी हो सकती है, इसीलिए इसका नाम है डायनामिक. अगर वो सिर्फ लोड टाइम पे या सिर्फ रन टाइम पे कोई एक टाइम फिक्स कर दिया जाता उसका, तो वो स्टैटिक लिंकिंग होती, लेकिन ये डायनामिक लिंकिंग है, मतलब जो मॉड्यूल्स को लिंक करना है एक साथ एक लार्जर सिंगल लोड मॉड्यूल में, वो रन टाइम पे भी हो सकता है, लोड टाइम पे भी. आई होप कि लोड टाइम एंड रन टाइम क्या होते हैं ये क्लियर होंगे. इफ़ दैट्स नॉट क्लियर, यू मे गो टू द प्रीवियस लेक्चर. लोड टाइम डायनेमिक लिंकिंग पे पेयर्स आर रीलोकेटेबल लोड मॉड्यूल. अब जो लोड टाइम पे जब लिंकिंग करता है डायनेमिक लिंकर, तो उस पे जो लोड मॉड्यूल जनरेट हो रहा है वो नॉर्मल वे में हो रहा है, यानी उसके सारे जो एक्सटर्नल उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, एक्सटर्नल रेफरेंसेज हैं, वो सब रिजॉल्व हो के और एक सादा तरीके से जिस तरह इनको लिंक करके एक बनाया जाता है, वही उसी तरीके से लोड टाइम पे डायनेमिक लिंकिंग होती है, ठीक है. और उसके बाद लेकिन उसमें कुछ एक्सटर्नल रेफरेंसेस अनरिजॉल्व रह जाते हैं, यानी कुछ एक्सटर्नल रेफरेंसेस हैं, कुछ ऐसी सिस्टम यूटिलिटीज़ हैं, इनपुट आउटपुट की कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जो नहीं दी गई, बल्कि वो लोड टाइम पे उसको दी जाएंगी. और जिस तरह कोई लैंग्वेज लाइब्रेरीज हैं या सिस्टम यूटिलिटीज़ हैं, ये वो रेफरेंसेस हैं जो इसको अनरिजॉल्व छोड़ दी, यानी वो जब लोड होगा या लोड तो कर लिया आपने, उसके बाद आप जब रन टाइम में जाएंगे या उसकी एग्जीक्यूशन टाइम जब आएगा
उस टाइम उन अनरिजॉल्व रेफरेंसेस को हम सॉल्व करेंगे, टिल देन वो ऐसे ही छोड़ दिए हैं उसके अंदर. ऑलराइट, लोड टाइम डायनामिक लिंकिंग. उसके बाद यूटिलिटीज कैन बी चेंज्ड. एक इसके बाद एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, अ शेयर्ड कोड कैन बी लिंक टू मोर देन वन प्रोग्राम. एक पीस ऑफ कोड, एक कोई ऐसा कोड जो मोर देन वन प्रोग्राम मॉड्यूल्स के साथ को रिक्वायर्ड है या वो शेयर कर रहे हैं, तो एक शेयर्ड कोड दो या दो से ज़्यादा मॉड्यूल्स के साथ एट अ टाइम लिंक किया जा सकता है. ठीक है, वो शेयर कर लेते हैं. रन टाइम डायनामिक लिंकिंग गोज़ अ स्टेप फर्दर. अभी तक हमने पढ़ी लोड टाइम डायनामिक लिंकिंग, कि लोड टाइम पे क्या होता है, कि लोड टाइम पे हम होती तो नॉर्मल है लेकिन कुछ एक्सटर्नल रेफरेंसेस अनरिजॉल्व रह जाते हैं और उनको हम रिजॉल्व करते हैं जब उनका एग्जीक्यूशन टाइम आता है. ठीक है, लेकिन रन टाइम डायनामिक लिंकिंग एक स्टेप फर्दर जाता है. इसमें सम मॉड्यूल्स विल नॉट बी लिंक्ड इन अनटिल दे आर एक्चुअली कॉल्ड, यानी कुछ मॉड्यूल्स जब तक उनको एक्चुअली कॉल फॉर एग्जीक्यूशन नहीं किया जाएगा तब तक वो लिंक नहीं किए जाते, वो एज इट इज़ छोड़ देते हैं. दैट इज़ वाई इसे रन टाइम डायनामिक लिंकिंग कहते हैं. और राइट, नेक्स्ट हमारे पास आ गया, ये तो था कि जब ट्रांसलेटर ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स बनाता है सोर्स कोड से, उन मॉड्यूल्स को, छोटे छोटे मॉड्यूल्स को एक सिंगल लोड मॉड्यूल में बनाते हैं, लिंक करते हैं, और वो काम हमारे लिए लिंकर कर रहा होता है. और वो डायनेमिक लिंकिंग भी हो सकती है, और डायनेमिक लिंकिंग में वो लोड टाइम लिंकिंग भी हो सकती है डायनेमिक लिंकिंग, या फिर हमारे पास रन टाइम डायनेमिक लिंकिंग हो सकती है. दिस वॉज द कॉन्सेप्ट. अब हम आगे चलते हैं जो नेक्स्ट हमारा आज का टॉपिक है, दैट इज़ ओवरलेइंग. ओवरलेइंग एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा मेथड है जो यूज़ होती है जब आपके पास मेमोरी एरिया इतना नहीं है लेकिन प्रोग्राम जो है वो लार्जर या बिगर देन अवेलेबल मेमोरी स्पेस है. ठीक है, तो तब ओवरले का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, कि ओवरले उस कंप्लीट प्रोग्राम का के स्मॉल पार्ट्स लेता है और जस्ट उस पार्ट को मेमोरी में लोड करता है, जो कि जाहिर है एक स्मॉल पार्ट उस प्रोग्राम पूरे प्रोसेस से तो छोटा ही है ना, तो उस एक पार्ट को जो रिक्वायर्ड है वो मेमोरी में से लोड करता है और उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करवाता है और उसे अनलोड कर देता है. फिर नेक्स्ट पार्ट जो इंपॉर्टेंट है फिर उसकी, यानी बेसिकली अगर प्रोसेस लार्ज है मेमोरी कम है तो ओवरले के थ्रू हम उस लार्ज प्रोसेस के स्मॉल पार्ट्स बना लेते हैं और उनको वन बाय वन लोड करते हैं और फिर अनलोड करते जाते हैं. इस तरह वो लार्जर प्रोसेस उसी लिमिटेड मेमोरी में एग्जीक्यूट भी हो जाता है और हमारे पास एक जो कंप्लीट प्रोसेस है वो कंप्लीट भी हो जाता है. ठीक है, हमारी एग्जीक्यूशन भी उसकी हो जाती है. सो दिस इज़ द टेक्निक जो कि जब यूज़ होती है व्हेन द मेमोरी इज़ नॉट इनफ फॉर द प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट. तो इसलिए अब ओवरलेज हो सकता है. ओवरलेज का मतलब यह है कि अब वो जो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स हैं जिनको इंडिपेंडेंटली यू आर एग्जीक्यूटिंग, दीज ओवरलेज कैन एग्जीक्यूट इन द मेमोरी इंडिपेंडेंटली. ठीक है, हो सकता है कि एट अ टाइम दो ओवरलेज रन हो रहे हों, यानी दो पार्ट्स अलग-अलग प्रोग्राम्स के रन हो रहे हों, तो दे आर कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट. ओवरलेज यूज़ होते हैं व्हेन द, आई टोल्ड यू, व्हेन द प्रोग्राम इज़ लार्जर देन द अवेलेबल मेमोरी. एंड सेकेंडली इट इज़ ऑल्सो यूजफुल व्हेन द प्रोग्राम कैन बी ब्रोकन इनटू फेजेस. मतलब प्रोग्राम के फेजेस हम बना लें, पार्ट्स बना लें और जो पार्ट रिक्वायर्ड है फॉर एग्जीक्यूशन उसे लोड करें और जो पार्ट अभी रिक्वायर्ड नहीं है उसे लोड ना करें. ठीक है, जस्ट उतनी की एग्जीक्यूशन करें, देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड देन एंड देन. इस तरह हम स्टेप बाय स्टेप मूव करते हैं, तो तब इफ़ेक्टिव है जब आप प्रोग्राम के पार्ट्स बना सकते हैं या आपके पास मेमोरी शॉर्ट है, देन ओवरले हेल्प्स. डिसएडवांटेज इसका ये है कि इसमें प्रोग्रामर की एक्सटेंसिव इन्वॉल्वमेंट, जाहिर है एक प्रोग्राम के पहले पार्ट्स करना फिर उसमें से देखना कि विच वन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रिक्वायर्ड टू बी एग्जीक्यूटेड, फिर उसको एग्जीक्यूट करना और फिर जो अन फिर उसको अनलोड करना एंड नेक्स्ट वाले को लोड करना, ये बहुत एक प्रोग्रामिंग टास्क है. इसके लिए बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, बहुत ज़्यादा काम है प्रोग्रामर का. सो दैट्स अ डिसएडवांटेज कि प्रोग्रामर का काम बहुत बढ़ जाता है. ही हैज़ टू आइडेंटिफाई एंड मैनेज ऑल द ओवरलेज एफिशिएंटली. सो दैट्स वाई इट्स अ होल एज अ होल इट्स अ डिफिकल्ट टास्क. ऑलराइट, दैट्स इट फॉर टुडेज़ लेक्चर एंड थैंक यू.